हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज के समय में गैस और एसिडिटी की समस्या बहुत ही ज्यादा आम है। अगर देखा जाए तो हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है। गैस और एसिडिटी की वजह से किसी भी व्यक्ति को कई सारी समस्याएं हो सकती है। जैसे व्यक्ति का पेट फूल सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इसके अलावा उसको ये गले में काफी ज्यादा जलन हो सकती है, या फिर पेट में ऐठन हो सकती है, जी मचला सकता है, उल्टी जैसा उसको फील हो सकता है। तो कई तरह की समस्याएं जो है गैस और एसिडिटी की वजह से होती है। इसके अलावा अगर गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो व्यक्ति को जी आर डी की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि कई बार जब व्यक्ति खा के जो है रात में लेटता है तो जो उसका स्टमक एसिड है वो उसके फूड पाइप में आ जाता है, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी सांस रुक गई है, अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और काफी देर तक जो है गले में जलन होती है। तो इस चीज को एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। कई बार लोगों को गैस और एसिडिटी लगातार बने होने से उनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को हार्ट बर्न की भी शिकायत होती है, यानी उनको सीने में ऐसा लगता है कि बहुत तेज जलन हो रही है। ये गैस और एसिडिटी की वजह से होता है। अब इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मार्केट में एक पैन डी नाम की दवा आती है, तो इसी पैन डी को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले, ताकि उनको भी सही जानकारी सही समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पैंडी नाम की जो दवा है उसको एल्केम नाम की एक कंपनी बनाती है, और पैंडी में दो साल्ट पाए जाते हैं। एक पाया जाता है पेंटोप्राजोल और दूसरा पाया जाता है डोमपेरिडोन। पेंटोप्राजोल क्या होता है, ये आपका जो स्टमक होता है, स्टमक में से स्टमक एसिड जो है निकलता है, जो कि आप जो खाते हो उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ये पेंटोप्राजोल जो होता है ये स्टमक एसिड जो निकलता है उसको निकलने से रोकता है, जिससे कि जितना कम एसिड निकलेगा उतना आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। डोमपेरिडोन का इसमें जो साल्ट है उसका जो बेसिक काम होता है कि आपको गैस की वजह से जो जी मचलाना, उल्टी, मन फीका रहने वाली समस्या होती है उसको जो है डोमपेरिडोन कम करता है या फिर रोक देता है। तो जब भी कोई व्यक्ति पैंडी खाता है तो ये सारी समस्याएं उसकी खत्म हो जाती है, ना तो उसको गैस ज्यादा बनेगी, ना उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, ना तो उसको जी मचलाएगा, ना उल्टी की समस्या होगी। जिन लोगों को मैंने जैसे पहले ही बताया कि लंबे समय तक एसिडिटी की वजह से, गैस बनने की वजह से जी आर डी की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बर्न लगातार उनका होता रहता है, तो या किसी किसी को एच पाइलोरी नाम का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सारी चीजों में भी पैंडी जो नाम की दवा है उसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा पेशेंट पर किया जा सकता है। ये एक ओटीसी मेडिसिन है, इसको आप खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब खाने का तरीका ये है कि अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो आप इसको सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है तो आप जो है इसको दिन में केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है गैस और एसिडिटी की तो आप उस समय भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिन लोगों को रेगुलर समस्या बनी रहती है और बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो सुबह इसको खाना खाने के आधे घंटे पहले ले सकते हैं, या खाना खाने के आधे या एक घंटे बाद ले सकते हैं। सेम चीज उनको शाम को भी यही करनी है, खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद इसको लेना है। और जिन लोगों को कम समस्या है वो लोग इसका दिन में एक बार खाना खाने के घंटे या आधे घंटे पहले इसको ले, या खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको ले सकते हैं। तो ये खाने का तरीका है, पानी के साथ में इसको लेना है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी कभी कभी किसी में देखे गए हैं। आमतौर पर देखा गया है कि 95% केस में इसको लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर हो सकता हो किसी को हेडेक की प्रॉब्लम हो जाए, स्टमक अपसेट हो जाए, या फिर उनको रैसेज, स्किन रैसेज हो जाए, तो बहुत कम लोगों में ऐसी समस्या देखी गई है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।